हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी स्लाइड है इसको ब्लैंक में करते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और ब्लैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया। आने के बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल टू रेंट, और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कमांड ये लिखी। लिखने के बाद हमारा ये जो पैराग्राफ ग्रुप है इसमें हमारी सबसे पहले ये कमांड है अलाइन लेफ्ट। अगर हम ये टेक्स्ट है, जितना भी हमारा टेक्स्ट है, इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये है हमारी, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको लेफ्ट साइड करना है तो हम ये अलाइन लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आएगा। जैसे ये हमने कुछ लिखा तो ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आएगा। तो अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इसके बाद अगली है हमारी, ये अगली कमांड है हमारी सेंटर कमांड। अगर ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम सेंटर में करना चाहते हैं तो ये सेकंड कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंटर, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये जितना भी पैराग्राफ है ये सेंटर में हो जाएगा। तो अब जो भी हम लिखेंगे वो सेंटर से लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा तो ये सेंटर से लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार हम ये सेंटर कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट कमांड हमने यूज़ करनी है तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है तो ये सारा जितना भी पैराग्राफ है ये सेंटर में हो जाएगा। इससे अगला कमांड हमारे पास अलाइन राइट। ये जैसे ये पैराग्राफ है इसको राइट अलाइन करना है तो हम इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे अलाइन राइट यहाँ से, तो ये जो है राइट साइड से अलाइन हो जाएगी। अगर कुछ भी हम लिखेंगे तो ये राइट साइड से लिखा हुआ आएगा। अगर राइट अलाइन की शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी है तो कंट्रोल प्लस आर कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो जितना भी हमारा पैराग्राफ है या डॉक्यूमेंट है वो राइट अलाइन हो जाएगा। अगर इसके बाद है अगली कमांड हमारे पास जस्टिफाई। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों साइड के लेफ्ट और राइट अलाइन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया जस्टिफाई, तो ये यहाँ से भी राइट साइड से भी अलाइन हो जाएगा और लेफ्ट साइड से भी। तो ये जस्टिफाई हम यूज़ कर सकते हैं ये कमांड को, अगर दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अलाइन करना है तो हम इस कमांड का, जस्टिफाई कमांड का यूज़ करेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट को करना है हमने तो ये सिलेक्ट करके, ये देखो जैसे लेफ्ट अलाइन अगर सेंटर में करना है सेंटर में हो जाएगा, ये राइट में करना है राइट साइड से हो जाएगा, जस्टिफाई करना है ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद अगली कमांड है ऐड और रिमूव कॉलम। अगर हमारे पास ये कॉलम है हमारे डॉक्यूमेंट का, इसमें कॉलम ऐड करने हैं तो हम कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टू कॉलम में चाहिए ये, तो टू यहाँ पे टू कॉलम, तो ये टू कॉलम में बन के आ जाएगा। थ्री में चाहिए तो तीन में बन के आ जाएगा। जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम यहाँ पे बन के आ जाएंगे। तो ये वन कॉलम यहाँ पे रखते हैं इसको, ये वन कॉलम। इसके बाद हमारे पास ये अगली है बुलेट्स। तो बुलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, ये डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुलेट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये अलग अलग बुलेट्स हैं, यहाँ पे जो भी बुलेट्स हमें चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक किया, ये बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और चाहिए तो जैसे ये चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, ये बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें कलर में चाहिए बुलेट तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद नीचे बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो साइज है बुलेट्स का, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बढ़ाया, जैसे यहाँ पे 126 रखा है परसेंटेज इसकी टेक्स्ट की, और इसके बाद यहाँ पे कलर इसको चेंज किया। जैसे यहाँ पे कोई भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे, ये बुलेट्स उस कलर में आ जाएंगे। ये कलर हमने चूज़ किया, चूज़ करने के बाद ओके किया तो ये हमारे जो बुलेट हैं इस कलर में आ जाएंगे। इसकी जगह हम पिक्चर भी सेट कर सकते हैं बुलेट्स में। तो यहाँ पे जाएंगे तो अगर हमें यहाँ पे पिक्चर सेट करनी है बुलेट्स में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद वर्क ऑफलाइन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो ये पिक्चर है, यहाँ ये पिक्चर हमने बुलेट्स में लगानी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स का हो गया। इसके बाद अगर ये हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नन पे जाएंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद है आगे है नंबरिंग। नंबरिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, अब ये नंबरिंग आ जाएगी। तो कोई भी यहाँ से हम ये नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये चाहिए तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नंबरिंग सेट हो जाएगी। और चाहिए जैसे ABC ये चाहिए तो ये अप्लाई हो जाएगी। अगर और चाहिए तो ये अप्लाई हो जाएगी। तो जो भी हम यहाँ पे नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे वो नंबरिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे जाएंगे, और ये जो नंबरिंग है इसका भी यहाँ पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। कलर चेंज करना है, जैसे और कलर चाहिए हमें, जैसे ये कलर चाहिए, इस कलर में आ जाएगा ये, ओके किया तो ये कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिया गया है, ये जो नंबर है यहाँ से 4 से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नंबरिंग पे, बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एट यहाँ पे 4 करेंगे, ये देखो 4, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होगी 4 से। जैसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी नंबरिंग। इसके बाद ये नंबरिंग अगर हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नंबरिंग यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद है अगला हमारे पास इनक्रीज़ लिस्ट लेवल, इनक्रीज़ करना है। अगर ये जो ये जैसे ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है, इसको आगे ले जाना है ये, तो हम क्या करेंगे, ये इनक्रीज़ लिस्ट लेवल तो ये इनक्रीज़ करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आगे जाएगा, ये इनक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसको पीछे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ लिस्ट लेवल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इनक्रीज़ करने के लिए हम इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और पीछे यहाँ पे लाने के लिए पैराग्राफ को डिक्रीज़ लिस्ट लेवल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये हमारी कमांड होगी। इसके बाद अगला है लाइन स्पेसिंग। तो ये जितना भी है ये पैराग्राफ है, इसमें अगर हमने
लाइन स्पेसिंग देनी है, जैसे 1.0 यहाँ पे ये सेट है, इसके बाद 1.5 करेंगे तो ये देखो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है लाइनों में 1.5, ये 1.5 लाइन स्पेसिंग है। अगर ये लाइन स्पेसिंग और बढ़ानी है डबल, तो यहाँ पे डबल पे 2.0 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2.0 ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पे बन जाएगी। तो जो भी यहाँ पे 2.5 चाहिए तो ये 2.5 लाइन स्पेसिंग बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लाइन स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या कम करनी है तो 1.0 यहाँ पे रखेंगे, ये 1.0 लाइन स्पेसिंग बन के आ जाएगी। इसके बाद अगली कमांड है, ये हम यहाँ पे क्लिक किया, अगली कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी अगर डायरेक्शन हमने चेंज करनी है तो हम ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल है। अगर इसको चेंज करना है जैसे रोटेट आल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो ये देखो 90 डिग्री में चेंज हो जाएगी, ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है ये 90 डिग्री यहाँ पे चेंज होगी। अगर इसको और चेंज करना है रोटेट 270, तो ये टेक्स्ट 270 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें स्टैक्ड इसमें चाहिए तो ये देखो स्टैक्ड में हो जाएगी ये। तो इस प्रकार हम इसको टेक्स्ट को ये डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको ये डू करते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो अगली कमांड है हमारे पास वो है अलाइन टेक्स्ट। तो अलाइन टेक्स्ट इसको देखने के लिए ये जो पहले तो है ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। अब अलाइन टेक्स्ट इसको इसमें ऑप्शन आएंगे टॉप, जैसे ये देखो टॉप में है, मिडल में करेंगे ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये टॉप में है ये मिडल में, ये देखो नीचे गया ये। इसके बाद बॉटम ये और नीचे गया, तो ये मिडल ये ऊपर आ रहा है, टॉप ये और ऊपर आ रहा है। तो जो भी ऑप्शन हम लेंगे उस हिसाब से ये टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने टॉप रखा तो ये टॉप में आ जाएगा। अगली कमांड हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो ये जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है अगर हम इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत से यहाँ पे स्टाइल आएंगे। जैसे यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर ये ऑप्शन लेंगे तो इस ऑप्शन में जो भी हमने लिखा हुआ है इसमें चेंज हो जाएगा। अगर और ऑप्शन लेंगे जैसे यहाँ पे ये लिया तो हमारा ये जो टेक्स्ट है इसमें चेंज हो जाएगा। अगर और चाहिए जैसे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे गए और ने ये स्टाइल लिया तो इसमें ये हमारा ये जो टेक्स्ट है इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।